तो इधर मगर ही जाने के सारा चिट्टा बिकता है यार कि ये बंदा ना चिट्टे का काम नाल करता रल के ये चिट्टे के नाम देते लोगों को पैसे हिंटता रहा सारी दिहाड़ी। ये मैनू ही लग गया धमकान, मैं कहता तेरे से चिट्टा पा के तेरे केस बना लूंगा। चिट्टे दे चलान दे नाम ते पुलिस मुलाजम करदा सी पैसे कट्ठे, पत्रकार ते भी चिट्टे दे लगाए आरोप। कुछ दिन पहला नाके ते खड़े एक पुलिस मुलाजम वल्लों जीप चो चिट्टा कढ़ के कवरेज कर रहे पत्रकार नाल बहस करदे होए परचा दर्ज करन दी वीडियो वायरल होके सामने आ रही है। पुलिस मुलाजम वल्लों कहा जा रहा है कि यह चिट्टा पत्रकार दे कोलों बरामद होया है, इसका एक साथी भी है जो कि फरार हो चुके हैं। इस ते पत्रकार राजन वर्मा ने की दसिया, सुनो जरा। सर इदा मैं कल इतों अपने घर में जा रहा है, इस जगह उत्ते कोई ऐसे सोता है वो इतने अपनी रोज गड्डी ला के खड़ा है आ, तो इधर मगर ही जाने के सारा चिट्टा बिकता है आ, तो इधर को चिट्टा जो बंदे लैन जाने को लेके आते हैं। तो कल मैं एक चैनल इंडिया टीवी न्यूज़ का रिपोर्टर भी हाँ, तो उसने मैंने जिस टाइम रोकया तो मैं मोटरसाइकिल इतने खड़ा करके पहले अपना कैमरा और मैं अपना माइक लैके आया कि क्योंकि वो मैंने पहले बहुत शिकायत महल वाले दे रहे थे कि ये बंदा ना चिट्टे का काम नाल करता रल के, क्योंकि इतने पुलिस वाले होर भी आते चिट्टा लैन, तो ये लिया कितों है, ये महला पूरा चिट्टा ही बिकता है। तो मैं वो ये पीरू बंदा सलेन टापरी है जी, तो मैं इतों यानी कि जेले वो इंटरव्यू लै गया, तो जिस टाइम मैं माइक देते कहा कि जी यदि मैंने शिकायत बहुत अगे भी महल वाले दे रहे हैं कि ये चिट्टे के नाँ देते लोगों को पैसे हिंटता रहा सारी दिहाड़ी, तो ये मोटी दिहाड़ी पा के जाता तो जिस टाइम मैं उन्होंने इन्नी गल की है तो ये को इस चीज़ का बर्दाश्त नहीं हुई। तो एक मिनट लगे मैं हल मेरा कैमरा सीधा ये गड्डी वाल ही एक गड्डी एक चिट्टे रंग की पूरी जी लैके आया, ये मैनू ही लग गया धमकान, मैं कहता तेरे से चिट्टा पा के तेरे केस बना लूँगा। तो मेरे नाल इन्हें हथों पाई भी की, तो इन्हें मैंने धक्का भी मारता, मेरे पिछे पत्थर पे जेल कर मैं डिग गया सीगा। तो फिर मैं वो तुरंत जी सूचना मैं अपने सी पी साहब न भेजी, तो सी पी साहब कोतवाली जी भी भेजी, तो मौके उत्ते फिर एस एच ओ मतलब इतने आए वो सिलेंडा भी एस एच ओ आए, तो वह कहें जी चलो गलती हो गई है भुलेखे च हो गया, दसो जी ये कहदी गलती हैगी आ, एक मुलाजम बंदा खुद गड्डी चिट्टा कितों लैके आया, वो कितों चिट्टा आ रहा है, ये चिट्टा जद के मैं उन्होंने पता कि मेरा कैमरा ऑन है, वो मेरे सामने चिट्टा कट के लिया के मैं धमकी देने लग गया। फिर एक माता जो राह जाती थी उन्हें भी कहा कहती बे तू हा कहती चिट्टा लिया के उस गड्डी अके धमकिया देना पाया भी मेरा पुत भी मुलाजम है आ, तो वह कहता भाई तू चुप कर बह जा मैं लेडी पुलिस बुला के तेरे भी अंदर करा दी चिट्टे केस, तो उन्हें जी सिलेंड आप जो एक लेडी बुलाई लेडी पुलिस बुलाई है तो नाल एस एच ओ बिना वर्दी तो इतने आ गया, तो मेरा मोटरसाइकिल उन्हें चक के लै गए, मेरा मोटरसाइकिल चक के लै गए, तो फिर असी साढ़े कुछ सारा महला मेरा अपना सीगा क्योंकि मैं महल का प्रधान है, मैं तो सारी सूचना देनी होंगी सब क्योंकि मैं इस चिट्टे बारे सी पी साहब न कई वीडियो मैं ईमेल राही भेजिया सगिया, तो जिदे करके ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚਿੱਠਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਸ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਕ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਸ ਆਈ ਆ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਲੇਨ ਡਾਪਰੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਖੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਖੜਦਾ ਜੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਦਾ ये उन्होंने नाल ही घेर लेंदा, ये 500-700 रुपया लिया चलो भाई जाओ, यदा रोज़ का काम है सवेरे है राइट टाइम इन्हें आने खड़ जाए लोगों के कमां करते जाते टाइम होंदा, यदा लोगों को घेरन का टाइम हो जाता कि इन्हें 9 बजे राइट टाइम आ के किसी ना किसी महल के नुक्कड़ उत्ते आ खड़ जाना है तो दिखाई गई। मैं जी कमिश्नर साहब को बकायदा ईमेल FIR भेजी हुई है, वो हुण कमिश्नर साहब वो कार्रवाई
ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰਾਜਨ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।